अकल और मंद दोनों को अपने शिकार को एक बार आजाद होने का मौका जरूर देना होगा, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये दोनों अपनी शक्तियां हमेशा के लिए खो देंगे। तुम दोनों को मैंने पुनर्जीवित किया है, इसलिए जो मेरा हुक्म है वो मानो। बाल परी और बालवीर को अभी खत्म करो। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं बहरानी तिमनासा, पर किसी भी हाल में हम शिकारी धर्म का नियम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम एक सच्चे शिकारी हैं। शोधन, मैं अकल और मंद को चैलेंज देता हूं कि बालवीर की ट्रॉफी के लिए मेरे साथ एक गेम्स का कंपटीशन खेले। अगर मैं जीत गया तो बालवीर को फ्री करना होगा, और अगर हार गए तो? ऑफ कोर्स, अगर मैं हार गया तो मैं तुम लोगों के सामने सरेंडर कर दूंगा, और फिर बना लेना तुम लोग मुझे भी अपनी ट्रॉफी। भैया, चुनौती स्वीकार कर लो, मुझे ये ट्रॉफी चाहिए, मतलब चाहिए। मुझे चुनौती स्वीकार है। ये! लेकिन शिकारी धर्म के नियम के अनुसार अकल और मन की जोड़ी को हराने के लिए तुम्हें भी अपने साथ एक साथी को इस खेल प्रतियोगिता में लाना होगा। ओके, मैं अपना टीम प्लेयर लेकर आऊंगा। प्रतियोगिता कल सुबह की किरणों के साथ शुरू होगी। इसे कहते हैं पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ये प्रतियोगिता हारकर खुद विवान अपने भाई की तरह मूर्ति बनके यहाँ कैद हो जाएगा। अकल और मन से जीतना बहुत मुश्किल होगा विवान। माना बालपरी कि वो अच्छाई के शिकारी है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रहा है, पर क्रिकेट से लेके फुटबॉल तक, सांप सीढ़ी से लेके चेस तक, मैं हर गेम का चैंपियन हूँ। वहाँ इनमें से कोई भी खेल नहीं खेला जाएगा विवान। वहाँ जो भी खेल प्रतियोगिता होगी वो जादुई होगी। सबसे पहली खेल प्रतियोगिता होगी बादल के पार। इसमें तुम्हें अपने साथी खिलाड़ी के साथ मिलकर बादलों के ऊपर से दौड़कर एक गहरी खाई को पार करना होगा। इजी है, कर लेंगे। और दूसरी प्रतियोगिता कठिन लक्ष्य प्रतियोगिता। इसमें तुम्हें एक भागते हुए घोड़े पर सवार होकर एक अस्थिर लक्ष्य पर निशाना बनाना होगा। फिकर नॉट बालपरी, मेरा निशाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं रात में भी बिना आँख खोले सिर्फ मच्छर की आवाज सुनकर उसका शिकार कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान रहे विवान, निशाना लगाते समय तुम्हारे साथीदार को उबलते हुए पानी के ऊपर बांधा जाएगा। What? क्यों? क्योंकि जब जब तुम निशाना चूकोगे तब तब उतनी ही बार तुम्हारा साथीदार उबलते हुए पानी की तरफ बढ़ता जाएगा। ओह, इसका मतलब अपने टीम प्लेयर की लाइफ का प्रेशर भी होगा। थोड़ा टफ है ये गेम। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल प्रतियोगिता तीसरी, उड़न परीक्षा। कठिन लक्ष्य से भी ज्यादा टफ चैलेंज और क्या हो सकता है बालपरी? विवान, इस उड़न परीक्षा में तुम्हें और तुम्हारे साथी को मिलकर एक घने जंगल से उड़ते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा। सुनने में तो इजी लग रही है उड़न परीक्षा, लेकिन करने में उतनी ही मुश्किल है विवान, क्योंकि इस खेल में कोई नहीं जानता कि कब कहां से अचानक से कोई नई मुसीबत आ पड़े। सो बालपरी, हमारा प्लान ये होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के दो गेम्स ही जीत जाऊं, ताकि मुझे उड़न परीक्षा खेलनी ही ना पड़े। विचार अच्छा है विवान, लेकिन मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। इस जीवन और मौत के खेल में तुम्हारा साथीदार कौन बनेगा? साथी जो भी होगा, मुझे उसका सिलेक्शन बहुत केयरफुली करना होगा, क्योंकि पार्टनर की लाइफ अब मेरे और मेरे टीम प्लेयर के हाथों में डिपेंड करेगी।
मम्मी आंटी और अकलमंद को चैलेंज देख कर तो आ गया मैं, लेकिन अब मैं अपना टीम प्लेयर कैसे बनाऊं? ओहो विवान, मैंने बोला था ना यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। हाँ रोहित बेस्ट कैंडिडेट है, माना कि वो मेरा थोड़ा दिमाग तो खाती ही है, लेकिन वो टैलेंटेड भी है और डेयरिंग भी। मुझे उसी से बात करनी चाहिए। क्या मतलब बालवीर की हेल्प करने के लिए हमें इतना डेंजरस गेम खेलना होगा? क्यों डर लग रहा है क्या? डर? और मुझे, मैंने बोला था ना कि यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना टीम प्लेयर बनाना चाहता हूँ। वैसे कोई प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर? प्रेशर कैसे नहीं है मेरे ऊपर? बालवीर बच्चों की हेल्प करने के लिए एक पुकार में आ जाता है, इसलिए मैं भी बालवीर की हेल्प करने के लिए एक सेकंड में रेडी हो गई। ग्रेट, तो कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हमें सनराइज के पहले खेल लोग पहुँचना होगा। एक मिनट, सूरज उगने पे ढकना मतलब मेरे लिए तो डेंजरस गेम से भी ज्यादा टफ है। फिकर नॉट, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। नहीं, अलार्म क्लॉक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। मैं अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलार्म फेदर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब? अपना हाथ आगे करो। ये मैजिकल फेदर्स है, किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें खेल लोक लेकर आएंगे। कूल, थैंक यू जूनियर। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तोड़ दो बालपरी का ये इंद्रधनुष। धनुष को तोड़ने का उपाय अब ये इंद्रधनुष ही बताएगा। मतलब बाल परी ने इस इंद्रधनुष की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बालवीर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही बालवीर की शक्तियों से बने इंद्रधनुष को काटने के लिए बालवीर की ही शक्तियां चाहिए। लेकिन बालवीर तो मूर्ति बन चुका है, तो फिर हम उसकी शक्तियां लाएंगे कहां से? परीक्षण यंत्र से। परीक्षण यंत्र? एक ऐसा यंत्र है जिसे परियों ने अनन्या को दिया था कठिन समय पर इस्तेमाल करने के लिए। दैट मींस ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ भैमार के तुम धरती लोक पर जाकर ऐसा आतंक मचाओ कि अनन्या वो परीक्षण यंत्र इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे रहते काल लोक पर अच्छाई का सवेरा नहीं हो सकता। हरिये भैमार, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे। टाइम इज रनिंग आउट। भैरावे, मैं क्या बोलता हूँ, भैरावे जब तक नहीं आते तब तक रे और मैं खेल लोग जाकर अकल और मन का विवाद के साथ मुकाबला देख लेते हैं। क्यों? मुकाबला तो मैं भी देखूंगी, हारते हुए बालवीर को देखने में बड़ा मजा आएगा। देवियों और सज्जनों, आप सबका इस जादुई दुनिया के जादुई खेल में स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता बहुत ही खास है। इस प्रतियोगिता में एक और है काल लोक के खिलाड़ी अकल और मंद, और दूसरी ओर है वीर लोक के खिलाड़ी विवान और आरोही। और ध्यान रहे दर्शकों, आज की प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार में कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि खुद बालवीर मिलेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं। इंप्रेसिव विवान, यहाँ पे परियां हमें चीयर अप करने के लिए ऑडियंस में बैठी हैं। ये टिम्मी आंटी ऑल्सो नोन एज भैरानी तिमनास, और इनकी प्रॉब्लम हम है। हो, आई गॉट इट। ये अपोजिट टीम को चीयर अप करने आई है। खेल लोक माय गेस्ट टीम को फेयर कंपटीशन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। आज की इस प्रतियोगिता में सबसे पहला खेल बादल के पार है। इस खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े होंगे। जैसे ही खेल आरंभ होगा, बिंदु के ऊपर खड़ा खिलाड़ी बादलों के ऊपर से 1000 गज की दूरी को पार करते हुए बिंदु खा तक पहुंचेगा और अपने साथी को ताली देगा। ऐसे उसके बाद बिंदु खा पर खड़ा खिलाड़ी वापस बादलों के ऊपर से दौड़ते हुए बिंदु का तक पहुंचेगा। जो नीचे गिरेगा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी करेगा। इससे पहले कभी बादलों पर दौड़ लगाई है? अरे मैंने बताया था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। तुम मेरी चिंता छोड़ो। आरुही को तो बादलों पर दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। इस खेल पर भैया की लाइफ निर्भर है। दूसरा खेल नीचे, लेकिन दोनों ही खेलों में हारेगा बालवीर। बेटा क्या आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? हाँ अंकल, श्योर। भारत नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि सुतली को भारत नगर का चप्पा चप्पा पता है। वेरी गुड। ये एड्रेस। सज्जनों, बादलों के पार प्रतियोगिता में अकल और मंद की पहली जोड़ी अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं इनकी किस्मत की घोड़ी कितनी दूर तक जाती है। इनका समय शुरू होता है अब।
मंद बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए बादलों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जोड़ी के बीच गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। शाबाश मंद, आओ, कम ऑन। आरोही, मंद को ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी की ट्रिक यूज करना। वेरी गुड, शाबाश, आओ आओ, सही कर रहे हो एकदम सही। शाबाश मंद, हाथ में ताली दो, ताली दो, ताली दो, ताली। वो तो मैं लाना ही भूल गया। नहीं क्या था? लेकिन देवियों और सज्जनों, ये क्या, मंद ताली ढूंढने वापस बिंदुका पर लौट रहे हैं और ये देखकर बड़े भाई अकल की अकल को चक्कर आ रहा है। सुतली, सुतली, अरे अंकल आप ये क्या कर रहे हो? हाँ। अरे छोड़िए उसको, छोड़ो, अरे छोड़ो ना। हाँ। छोड़ो सुतली को। हाँ? वरना हम बालवीर को बुला लेंगे। हाँ। हाँ। अगर मूर्ति को जिंदा कर सकते हो तो बुला। लगता है अभी तो हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, हाथ से बजाने वाली ताली, हाथ से बजाने वाली ताली। ओ, ये तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सच में ही मंद है। इस मूर्ख के कारण कहीं अकल हार ना जाए। मंद अकेले नहीं, मेरे साथ ताली बजाओ, इधर आओ। लेकिन आखिरकार अकल ने मंद को ताली का असली मतलब समझा दिया है। मैं तो बजा रहा हूँ, आप भी बजाओ ना। आगे लाओ, मेरी तरफ लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ। लेकिन मंद का ऊपरी माला खाली होने के कारण अकल का काफी समय नष्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी अकल अब बिंदुका से बिंदुका की तरफ उछलते हुए बढ़ रहे हैं। तो कैंगरू उसका चाचा निकला और ये जीत की छलांग लगा ली है अकल ने और बादलों के पार प्रतियोगिता पूरी कर ली है। टू मिनट थर्टी सेकेंड्स। अब पता चलेगा कि नाबर अंकल को गलती कर दी तुमने। मुझे यहाँ बुलाकर अरे बालवीर, विलन उधर है, आप हमें क्यों गुस्से से देख रहे हो? हाँ बालवीर, हमने आपको एक इमरजेंसी के कारण बुलाया है। वो देखिए इस फोन पर सत्य को ना करूं मैं तुम्हारा। हाँ, जब चाहे जहाँ चाहे बस बुला लेते हो। बालवी, लेकिन इमरजेंसी में तो हम आपको ही बुलाएंगे ना। खामोश, अगर आगे से ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया ना तो तुम सबके गले के अंदर चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं छोड़ूंगा। समझे? नकली परछाई भेजकर जो मैंने बच्चों के दिल और दिमाग में ये भ्रम पैदा किया है। पहली बार बच्चों को लगेगा कि बालवीर ने उन्हें धोखा दिया। इस खेल में जीत की ओर ये होगा मेरा पहला कदम।
और अब दूसरी टीम की बारी। डोंट वरी आरोही, हमें ये रेस सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड में खत्म करनी, फिर हम जीत जाएंगे। क्या कहा? 29 मिनट 2 सेकंड। आरोही नीचे मत देखो, बस विवान की तरफ ध्यान रखो। अब छोटे बालवीर और आरोही की जोड़ी बादल के पार प्रतियोगिता में दौड़ेगी। अपने आप पर भरोसा रखो आरोही, कम ऑन। सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अब बहुत जल्द छोटा बालवीर भी एक पत्थर की मूर्ति बनकर रह जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।